मुंजर की बहुत जिगर खराश है, तुम्हें हक है कि उसकी याद में बेताब रहो। अगर मुंजर के जहाद में शरीक होना चाहती हो तो सब्र करो, इन्नल्लाह मासाबिरीन। अगरचा मुंजर की मौत ने मेरे जिगर को जला दिया है, अगर मुंजर की मौत से ज्यादा जिगर खराश खाने काबा का जलना है। मैं इन दोनों सदमों पर आजादार हूं। रुखसत भाईजान। कहो जाफर, हशाश बशाश हो, कोई बशारत लाए हो? यजीद चाय मलूम मर गया। ये खानाए काबा की तौहीन करने का तावान है। कम से कम 30-40 दिन का वक्त लगता है कि खबर दमिश्क से मक्का पहुंचे। खलीफा कम से कम एक महीने पहले मरा है, खाने काबा कल रात को चला है, तो फिर इन दो हादसों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसने इन दो हादसों को आपस में जोड़ा है? अफवाह उड़ा दी गई है कि खलीफा की मौत खाने काबा का मौजजा है। क्या तुमने सुना नहीं? खुदा ने आले जुबैर के लिए ही खाने काबा बनाया है, ये भी उन्हीं का खेल होगा। अफवाह उड़ा दी उन लोगों ने कि खाने काबा ने मौजजा दिखाया है और उसने खलीफा को मार दिया है। हो सकता है कि यजीद का मरना और खाने काबा के जलने का आपस में ताल्लुक हो। मसलन कैसा ताल्लुक? खलीफा शिकार पर थे, एक तेज हिरन को शिकार करना चाहा। खलीफा का घोड़ा था और हिरन थी। घोड़ा हवाओं में उड़ता है और खलीफा जमीन से उछलता है। खलीफा का पांव रकाब में रह जाता है। घोड़ा उसे इस कदर जमीन पर घसीटता हुआ जाता है कि खलीफा जहां वहां को जाते हैं। मगर मैंने एक अजीब सी रिवायत सुनी है। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि खलीफा प्यास लगने की बीमारी में मुबतला हो गए थे। जितना भी पानी पीते थे उनकी प्यास नहीं बुझती थी, बहुत प्यासे थे। बिल आखिर इस कदर पानी पिया कि खुदा माफ करे फट जाते थे। तुम यकीन कर सकते हो कि कोई इतना पानी पी ले कि फट जाए? क्या नहीं हो सकता? ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। तुम एक भालू को पानी से भर दो, क्या वो फट जाएगा? नहीं। वही शिकार वाला किस्सा ठीक है। खलीफा शिकार का शौकीन था, शिकार पे बहुत जाया करता था। मुझे नहीं पता, हम तो बिल्कुल उलझ कर रह गए हैं। इतने सुनी है कि समझ में नहीं आता किस पर यकीन करें। बास का कहना है कि खलीफा की मौत खाना खुदा का मुआजा है। ये बात भी मोतबर लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेर के बेटे का कोई दिन नहीं है, खुदा नहीं है। यहाँ खाने काबा पर नहीं गिरी है, दरअसल खलीफा की जान पर गिरी है। खुदाया माफ करे। मतलब हम भी अजाब इलाही में मुब्तला हो सकते हैं? क्यों नहीं, हम असहाब उल्फील बन गए थे बंदा खुदा, असहाब उल्फील। अब जहाँ के हलाक होने के बाद उसकी फौज की बारी है। हमारा क्या गुनाह है? जो कुछ किया सरदारों ने और साहिबा ने मनसब ने किया है। जो बला भी आए उनके सर पर आनी चाहिए। मैं खाने काबा से पना मांगता हूँ, खाने काबा के पत्थरों को अपने आंसुओं से इस कदर धो के खुदा माफ कर दे। तुम्हें क्या लगता है इतने दोपहर क्या करेगा? पता नहीं भाई, इंतजार करना होगा ताकि कोई खबर आए अंदर से। अगर शहर सरदार हुआ तो मक्का के हिसाब से दस्तार हो जाएगा और दमिश्क की तरफ निकल पड़ेगा।
जो भी जंग लड़ने पर राजी है वो खड़ा हो जाए। बैठ जाइए। खुदा जानता है कि मैं खलीफा मरहूम से ज्यादा जुबैर के बेटों के खून का प्यासा था, मगर क्या करूं, यह है हमारी लश्कर की हालत। हर 10 में से सिर्फ 2 अफराद जंग के लिए राजी हैं। इस जंग को आगे बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें अब मुश्किल फैसले करने होंगे। हमने ये जंग चंद खुराफात की वजह से हारी है। हम सबको एक दिन मरना है। यजीद भी एक माह पहले एक हादसे के नतीजे में मरा है। बस ना कोई गैब का हाथ था, ना कोई मौजजा हुआ है। अगर मेरे पास कोई ऐसी तलवार होती जो खुराफात को खत्म करने पर कादिर होती, तो मैं हरगिज तरके जंग पर राजी ना होता। ज्यादा मुतासिर हुआ, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि वाकया करबला में कूफियों का सबसे ज्यादा दखल था, और वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कसूरवार और सरजनिश का अहल समझते थे। तारीख की गवाही के मुताबिक जिस वक्त यजीद की मौत की खबर कूफा आई, उस वक्त इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा व बसरा शहर बसरा में था, और उसकी गैर मौजूदगी ने यजीद के मुखालफिन के लिए राह हमवार कर दी, ताकि वो लोग उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला कयाम करके मैदान में आ जाएं। सुलेमान सुरत खुजाई, जो कूफा में शियों के उलामा में से था और अपने आप को तवाब कहलाता था, खुल्लम खुल्ला उमवियों की मुखालिफत का परचम लहरा कर सामने आ गया। ए मेरे जैसे गुनाहगारों, ऐ अपने किए हुए पर नादिम होने वालों, ऐ बेवफाई और अपनी वादा खिलाफी का इकरार करने वालों, ऐ तव्वा बैन, अगर सारी उम्र भी उस शहीद दश्त नैनवा पर खून के आंसू रोते रहे, तब भी हमारे गुनाह माफ होने वाले नहीं। मेरे भाइयों, नूर ऐन सैयदुल मुरसलीन सिप्तुन नबी हुसैन इब्ने अली की मदद ना करना ऐसा गुनाह कबीरा है जो फकत हमारे खून से धुल सकता है। ये फतवा है आपके पीरो मुर्शिद सुलेमान का, जो कफन पोश और आजी में मैदान है। जो भी उनकी मदद करना चाहता है, बिस्मिल्लाह। आखिर मिनबर पर जाओ और काम तमाम कर दो। अगर इब्ने ज़ियाद अचानक पहुंच गया तो? अरे उमर, क्या हो गया है तुम्हें? इब्ने ज़ियाद का बसरा में दिल लग गया है। पिछली बार भी कराहियत के साथ आया था, यजीद के धोखे में आ गया था, और फिर इब्ने ज़ियाद बसरा में है। जब तक वो कूफा पहुंचेगा, हम अपनी जगह मजबूत कर चुके होंगे, उसके रास्ते बंद कर देंगे। तुम समझते हो कि हालात इतने आसान हैं कि तमाम कूफी हमारी बैत भी कर लेंगे और कोई हमारी रुकावट भी नहीं बनेगा? इतना डरते हो तो मैं मिंबर पे चले आता हूँ। तुम किसी कम शोहरत वाले की औलाद नहीं हो। मैं अगर तुम्हारे जैसे खानदानी अलकाब वाला होता, तो यजीद की मौत की खबर आते ही खलीफा बन गया होता।
अगर अब भी जल्दी ना करोगे तो तूफा हाथ से निकल जाएगा, शिया हाकिम बन जाएंगे और हम दोनों का कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर ना हो सका तो क्या करेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। शिव कुमार, घोड़ा और मैदान सामने है, ना हो सका तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और तुम किस इज्जत की फिक्र कर रहे हो, जब पानी सर से गुजर चुका हो तो कम और ज्यादा में फर्क नहीं रहता। दिल मजबूत रखो ताकि हम तूफा हासिल कर सकें। हिम्मत से काम लो उमर, हिम्मत से काम लो। और रे को हुकूमत आले अभी वकास का दारुल खिलाफा बना देंगे। खुदा का घर चीखो पुकार के जगह नहीं है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माएं। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फरजंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। है कूफे की औरतों, सीन ऐसी पर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक ना उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं। ये कहूं कि हकीकत को नहीं जानता था, ये कहूं कि मैंने अपने मौला हल मिन नासिर यंसुना की आवाज नहीं सुनी थी, या ये कहूं कि मैं कूफे में कैद में फंसा हुआ था, अपने आप को हुसैन तक नहीं पहुंचा सकता था। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचता सिवाय गफलत, गफलत, गफलत। मैंने सुस्ती की, मेरे कदम रुक गए, शैतान ने ईमान पर हमला कर दिया, मुझे जान का खौफ था, लर्ज बांदाम हो गया, उठते हुए कदम रोक लिए मैंने, इश्क काफले से पीछे रह गया। काश अबू इसहाक कूफे में होता। क्यों फिक्रमंद हो क्यान? डर है कि यह आग भी पहले की तरह जल्दी ना बुझ जाए। क्या मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया याद नहीं?
کوفے والے خوشکلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا، کاش ابو اسحاق۔ خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً ایک سال پہلے دیکھا تھا، تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار۔ اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قدم بوسی کرتا، مگر افسوس آلیہ زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں، میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہیں۔ آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعجب ہے، تعجب ہے، آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں، میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے، وہ کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے۔ حسین، 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 حسین کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی، مشیت الہی تھی کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں۔ کاش میں بھی مارنا ہوتا اور اپنے جوان بھائی عباس تمہارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قاتل کا قصاص دیکھ سکوں۔ مر کے یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی، خدا کی قسم دشت کربلا کے اشک آہر کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے۔ روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا۔ تم جنگی لباس میں آئے ہو عمیر کے بیٹے، مطلب میدان جنگ میں آئے ہو۔ بسم اللہ، جنگجو مردوں پر جنگی لباس ہی جچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہن کر آتا تو اس محفل کے لائق نہ ہوتا۔ میرے خیال سے یہ صاحب مصعب ابن زبیر ہے، میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں، مصعب ہے میرا بھائی۔ میرے بہت دل چاہتا تھا کہ اجاز کے اس مشہور بہادر سے میدان میں پنجا آزمائی کرتا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ نہیں مصعب، وقت نہیں ہے۔ ایک لڑنے والے کو اچھا لڑنے کے لیے کوئی امید اور دلیل چاہیے ہوتی ہے، میری امید مٹی تلس ہو گئی ہے اور تمہاری تمہارے برابر میں ہے، تو پھر ہماری جنگ منصفانہ نہیں ہوگی۔
تمہاری دلیل اور امید خدا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یزید۔ کون سا خدا شیخ؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی یزید عبادت کرتا تھا؟ میرا اور یزید کا خدا کیا مطلب ہے؟ یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ خدا ایک ہے مشرک۔ ہاں شیخ، میں بھی مانتا ہوں کہ خدا ایک ہے، وہ وہی غائب ہے جو کہ حاضر ہے، اور وہ حاضر جو غائب ہے، جسے صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ وہ وہی عالم ہے جس کے علم کا احاطہ ہر چیز پر ہے۔ میں اور آپ، ہم دونوں انسانوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم دونوں کے پاس ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور سر ہے۔ دونوں کے پاس آنکھ، کان اور منہ ہیں۔ آپ کھاتے اور پیتے ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ کیا میرے اور آپ کے درمیان کوئی شباہت ہے؟ کیا میری طبیعت اور آپ کی طبیعت ایک ہے؟ تو پھر مان لو کہ میرا خدا بھی تمہارے خدا سے مختلف ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم دونوں اس کے لیے ایک جیسی صفات کے قائل ہیں۔ یہ فلسفہ بھی یقیناً یزید کا سکھایا ہوا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق تو خدا لا تعداد ہوں گے، اور ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہی براق ہے۔ یہ وہی دوران جاہلیت کی بت پرستی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار بتوں کو پتھروں کے یا سنہرے یا مٹی کے مجسموں کی صورت میں پوجا نہیں جا رہا۔ اس دور کے بت خدا یگانہ کی تقلید میں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ توحید کا انکار ہے۔ تم جنگ کے بارے میں بحث کرنے آئے ہو یا خدا کے بارے میں؟ جنگ کی کیا خبر ہے مختار؟ یزید کی موت کے بعد شامیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، صلح اور سازش کی بو آ رہی ہے۔ مجھے یہ گمان ہے کہ آل زبیر شامیوں سے بیعت لے کر جنگ کو ختم کر دیں گے۔ خدا اس جھوٹی قوم کو رسوا کرے تو پھر وہ اس قدر خون جو مدینے میں بہایا گیا اور خانہ کعبہ کی جو توہین کی گئی ہے، وہ ان لوگوں کی جنگ شریعت کی فکر میں نہیں تھی، طلب قدرت کے لیے تھی۔ ان کی خاندان علی سے دوستی بھی مصلحت سے بھرپور ہے۔ مجھے شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آل علی سے دشمنی میں یزیدیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ میرے بابا علی کا قول ہے مختار۔ زبیر اہل بیت کا حصہ کہلاتا تھا اس وقت تک جب اس کا منحوس بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ یہی عبداللہ باعث بنا کہ زبیر میرے بابا کے روبرو مخالف بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ زبیر کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ عبد المطلب کی اولاد سے لڑے، جبکہ زبیر میرے بابا سے مذاکرات میں پیچھے ہٹ گیا تھا اور لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یزید مر چکا ہے، اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ہمارے ساتھ شام چلیں اور معاویہ ابن یزید کو کرسی سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائیں۔ ہمیں شام کیوں جانا ہوگا؟ کیونکہ ہم حجاز میں نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی تو معاویہ ثانی کے غضب کا شکار ہو جائیں گے اور ہم شام لوٹ نہیں سکیں گے۔ البتہ ایک دوسری راہ بھی ہے شیخ۔ اور وہ دوسری راہ کیا ہے؟ جنگ ختم کر دیں۔ آپ اجازت دیں کہ ہم حج و عمرہ ادا کر کے شام لوٹ جائیں۔ کیا حج عمرہ کرو گے؟ اس گھر کے گرد طواف کرنا چاہتے ہو جسے تم نے چلایا ہے؟ جی ہاں، اس آگ لگانے کی ایک حکمت تھی اور اس طواف کرنے کی بھی ایک حکمت ہے۔ اگر سننے کا حوصلہ ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کر دوں۔ نہیں ابن نمیر، نہیں۔ پہلے ہی کافی حد تک آپ کے فلسفے سے پرفیض ہو چکے ہیں، اور رہی آپ کی پہلی رائے،
तो ये वाज़ह रहे कि हम खाने काबा की पनाह में हैं और किसी कीमत पर खाने काबा को छोड़ने पर आमादा नहीं। रहा सवाल जंग खत्म करने का, तो हमें इस मसले पर गौर करना होगा, क्योंकि खाने काबा की बेहुर्मती करना मुसलमानों के दिलों को छलनी कर चुका है और उनको पहले से ज्यादा भड़का दिया है। शायद मैं उनके गुस्से को ना रोक पाऊं। ये भी मुमकिन है कि मैं हरम इलाही की बेहुर्मती करने वालों का क़िताल या क़िसास करूं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हैवान अकल और तदब्बुर नाम की शय भी कुछ हद तक रखता है। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक ऐसा दरिंदा है जिसके पास सिर्फ तेज दांत और सींगे हैं और अक्ल से दूर है। खूब फलसफे बना रहा था। जी हां, मगर उसके औसान खता हो गए हैं, बहुत डर सा गया है। उसे डरना चाहिए मुसहब, क्योंकि वो उस लश्कर का सरदार है जिसके सिपाहियों को यह एहसास होने लगा है कि उनके सरदारों ने उन्हें जिल्लत तबाही और रुसवाई की राह पर जबरदस्ती घसीटा है। अगर बहुत ज्यादा जंग की जिद करेगा तो बईद नहीं है उसके लश्कर वाले उसके सर पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। काश आप उसे खाना काबा को आग लगाने की हिकमत भी बयान करने देते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये सुनूं कि इस बारे में वो कौन सी मनगढ़ंत तफसीर और वजूहात बयान करता है। नहीं मुसब, नहीं, ये गिरोह यजीद की तरह मनचाहे किस्से पैदा करने में माहिर है। यदि शायर था और शौरा ज्यादातर शिरकालो तबीयत के मालिक हैं और उनके कहे हुए कलाम मुशेकाना आयात से भरे हुए हैं। हो मुसब जान, मेरा दिल अब लश्करे शाम की जानिब से पुरसकून हो गया। अब बेहतर रहेगा कि हम इराक को फतह करने की सोचें। सुलह कर लें? किससे सुलह कर लें? उन लोगों के साथ सुलह कर लें जिन्होंने खुदा के घर में आग लगाई और खाना काबा की बेहुर्मती की। कैसे सुलह कर सकते हैं? तमाम तकल्लुफात और बातों के तूल से गुरेज करते हुए तूफ है उसके बाप की कब्र पर जो आज की बात से मशवरा मुजाकरा जैसे अल्फाज पर अमल करे। मुआविया की खुश्क और आमिरान हुकूमत हमेशा मेरे लिए शुभांगेज थी। अब समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही काम करता था। नूर बरसे उसकी कब्र पर नूर। हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बादशूर लोगों को जेब देती हैं जो कि हां अपनी हदूद को जानते हैं, हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलफा के रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर अरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गर्म देख जा।
कौन सा देखचा, कौन सी यखनी, कौन सा मुहावरा है ये, क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है? उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुजाकरात और मुजालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था सुबेर के बेटे? तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसीर है कि उसके घर की बेहरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ रागिब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। तिब्लाए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक्तदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक दो ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद तीन ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर है और उनका खून हलाल है। चलो। ना फहम आदमी, इस गुरोह की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है, तो फिर जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर न होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बहरान सदालत के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन ख्वारिश के साथ जो इस बेशैतान है। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरमानी को इस दस्तखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दा ही मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रगबत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है।
خاص طور پر اس نے حجازیوں میں بھی ایک خاص عزت اور آبرو کمائی ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ نہ دے. یہ مسئلہ سے خالی ہے کہ مختار کے ہوتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں. مصعب تم جاؤ اور بسرا کی فکر کرو. تمہارا بھائی مچھلی کے پیٹ کو چیر کے نکلنا جانتا ہے. زیادہ مت کھائیے بھائی جان. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مزاج کے اکھڑنے میں مبتلا نہ ہو جائے. نہیں کر سکتا مصعب, نہیں کر سکتا. جب تک دسترخوان سامنے رہتا ہے شیطان بس وسا کرتا رہتا ہے. کھانا وہ شیطان ہے کہ میں اس کی جال سے رہا نہیں ہو سکتا مصعب. جناب نجدت ابن عامر, کیا حال ہیں آپ کے؟ مت پوچھو مختار, بہت بری حالت ہے, بہت بہت بری حالت. تم کہاں ہو مختار؟ کل رات سے اب تک میں نے مکہ اور وہاں سے جنگ کے چپے چپے کو تمہاری تلاش میں چھان مارا. وہ کیوں؟ آؤ چلو کسی کونے میں چل کر کچھ گفتگو کریں. کس بارے میں؟ ان موجودہ حالات کے بارے میں جو ابن زبیر نے ابن عمیر کے ساتھ مل کر کی ہے. معاف کرنا شیخ, بیعت شکنی کرنے والوں کے ساتھ تنہائی اور کونے میں گفتگو, یعنی خلیفہ کے خلاف سازش کرنا, میرا فی الحال بیعت شکنی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ڈر رہے ہو؟ نہ ڈروں. نہیں, تم اب بھی کوئی کم طاقت رکھنے والے نہیں ہو مختار. جنگ مکہ میں بہت سے حجازیوں نے تمہارا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا, پھر خلافت کا لباس تم کیوں نہ پہنو مختار؟ خدا کی قسم تم زبیر کے بیٹے سے زیادہ اس کے لائق ہو. تفرقہ مت پھیلاؤ شیخ, گناہ ہے. تم نے اپنے آپ کو نافہم کیوں بنا رکھا ہے مختار؟ زبیر کا بیٹا وعدہ خلاف اور خیانت کار شخص ہے. اس کا کام نکل گیا تو تمہیں مکہ میں اسے بال کی طرح نکال دے گا. اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکلے ہم متحد ہو جائیں اور خلافت کے لبادی کو اس کا ادھورا خواب بنا کر رکھ دیں. ذرا سی غلطی کر رہے ہو شیخ. زبیر کے بیٹے نے لبادہ اوڑھ لیا ہے. اگرچہ اوڑھ لیا ہو ہم یہ لبادہ اتار دیں گے. میں ان لوگوں کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا جو میرے مولا علی کے سر پر ضرب لگانے پر فخر کرتے ہیں. تو پھر جنگ مکہ میں کیوں ہمارے ساتھ متحد ہوئے تھے؟ وہ اتحاد مختار کا اتحاد نہیں تھا, وہ ابن زبیر کا اتحاد تھا خوارج کے ساتھ. میں صرف درمیانی ذریعہ تھا. میں تو تھک گیا ہوں. علی کا قصہ تو کب کا ختم ہو گیا؟ اب تم لوگ کیا قیامت کے دن تک علی کے زخمی سر کو تفرقے کا بہانہ بناؤ گے؟ خدا رسول کی قسم, یہ تمام مسلمانوں کے فائدے میں ہے کہ آج زبیر جلادوں کے خلاف مل کر کھڑے ہو جائیں. کہو تو ایک راز تمہارے لیے فاش کر دوں تاکہ تم جان لو کہ اس نے ہاشمیوں کے لیے کیا خواب دیکھا ہے. کیسا خواب؟ وہ چاہتا ہے کہ تمام ہاشمیوں کو ایک کھائی میں جمع کر کے زندہ چلا دے تاکہ بقول اس کے جہنم میں جمل کا انتقام لے سکے. کس سے سنا تم نے؟ خود اسے کے منہ سے. میرے ان کانوں نے اس کی زبان سے یہ جملے سنے. ایک دن وہ اپنے بھائی مصعب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کان لگائے. خدایا مجھے معاف کرنا. وہ اپنی دلی آرزو کے بارے میں مصعب سے گفتگو کر رہا تھا. اس کی دلی آرزوؤں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک کھائی میں بہت ساری گھاس اور ایندھن جمع کر کے ہاشمیوں کے لیے ایک جہنم بنا دے. مختار, اس وعدہ خلاف گروہ سے اپنا دامن بچا لو. اس حقیقی رائے یہ ہے کہ ہم جنگ میں پیش قدمی اور پہل سے کام نہ لیں, خاص طور پر مکہ اور خانہ کعبہ میں جو کہ حرم امن ہے
और उसमें जंग और लड़ाई हराम है, सिवाय इसके कि जहां मजबूर दिफा हूं। इब्ने नुमैर भी लश्कर की फरावानी और खाने पीने का सामान कम होने की वजह से कहता है कि हम उसे जल्दी जवाब दें। क्या करें? हाँ, तुम बताओ बिसाख। क्या अर्ज करूं? अपनी राय बताओ मेरे भाई, क्या सुलह पर राजी हो तुम? शामियों में से वो लोग जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की नामूस तक की बेहुरमती की या किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया या तो खाना काबा की बेहुरमती की है, उन्हें जरूर कसास किया जाना चाहिए। इब्ने नुमैर जैसे लोग यजीद के बाजू हुआ करते थे, उनका जुर्म यजीद से ज्यादा न हो तो उससे कम भी नहीं। शामियों में जो गुनाहगार हैं उन्हें बेगुनाह शामियों से कैसे जुदा करें? इब्ने नुमैर का तो जुर्म और सजा वाजे है, बाकियों का क्या करें? आपकी बात के मुताबिक जिसने भी खाने काबा की तरफ एक पत्थर भी फेंका है वो मुजरिम है, मगर मुजरिमों को कैसे पहचाने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शामियों में से एक एक फौजी को सजा दी जाए, नहीं। आप कुछ भी कर ले मुमकिन है, फिर भी कुछ लोग बेकसूर बन जाए और उनका जुर्म साबित भी न किया जा सके। उन लोगों का किसास खुदा पे छोड़ा। अब तक आप शाम के सिपाहियों से लड़ रहे थे, अब इब्ने नुमैर से तो लड़िए कि जिसका जुर्म वाजे है। जो भी इब्ने नुमैर का साथ देगा वो गुनाहगार है। बहुत खूब, कल ऐलान करवा देते हैं कि शामियों का अमान है, सिवाय इब्ने नुमैर के जो खाने काबा की बेहुरमती का असल बाइस था। जो कोई हमारी तरफ आ गया अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ेंगे। उमैर का बेटा बहुत कमजोर पड़ गया है हजरत खलीफा, उसके साथ सख्ती का सलूक करना खलीफा की हुकूमत का चेहरा बदनुमा कर देगा। वो एक खुल्लम खुल्ला मुजरिम है। बहुत खूब, उसको किसास कर दिया जाए, बिगड़े हुए को ठीक कर दीजिए। मगर सियासत से कराहियत आमे चेहरे के साथ नहीं कि सब आपके चेहरे से वहशत खाएं और भागने लगें। कुछ ऐसा कीजिए कि शामी हजरात खुद मुजरिम के हाथ पांव बांधकर मुजरिम को आपके हवाले कर दें और किसास के लिए छोड़ दें। शाबाश अब्दुल्ला, आसानात, दुरूद हो तुम पर। ये बेहतरीन राय है, बेहतरीन। खूब, तो आपकी राय क्या है? अर्ज कर रहा हूं, मैंने शामियों के अकीदों से मुताल्लिक एक अजीब सी रिवायत सुनी है जिसे आप सब सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। मदीनतुन नबी पर हमले के दौरान शाम के लश्कर का सालार मुस्लिम इब्न उकबा था। उसकी मौत के बाद इब्न नुमैर सालार बना। मुस्लिम इब्न उकबा ने जब मदीने के मुसलमानों को मारा और उनकी नामूस की बेहुरमती की तो बीमार हो गया और बिस्तरे मर पर गिर गया। उसने बहुत अजीब वसीयत की है। इब्न उकबा मरते वक्त ये कहता है, मैंने जो कुछ भी किया खुदा की रजा के लिए किया है। खूब गौर कीजिएगा आप लोग, मैंने जो कुछ किया है वो खुदा की रजा के लिए था, और खुदा की कसम मैंने अपनी सारी उम्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मदीने के लोगों को मारने से ज्यादा अफसल हो और मुझे आखिरत में इस सवाब की ही उम्मीद है। अल्लाह अकबर, क्या वाकयान उसने ऐसी बात की है? जी हाँ, आप ऐसे गिरोह के मद्द मुकाबिल खड़े हैं। जब तक इस गिरोह के अकीदे को
नहीं बदलेंगे जब तक दीन की हकीकत इन्हें नहीं समझा देते, जब तक इन्हें ये नहीं दिखा देंगे कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। महाल है कि उन पर बगैर तकलीफ के हुकूमत करें। वो हालात जो इस वक्त खाने काबा की बरकत से पैदा हो गए हैं, ये बेहतरीन मौका है कि आप शामियों के दिलों को तस्दीर करें। खाने काबा जला ताकि ये लोग राय हिदायत पर आ जाएं, तो फिर गैर संजीदा अफकार से खाने काबा के मौजजे को तबाह मत कीजिए। बनी हाशिम एक मगरूर और मुतकब्बिर कौम है। मुझे अपने खुतबों में रसूल खुदा का नाम ग्रामी लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सुनकर उनके खानदान वाले सीना फुलाएं, अकड़े, फख्र मुबाहात करें। खुदा ने उस खानदान को अबू लहाब के नाम के बहाने लानत की है जो कि सिर्फ कचरे और कूड़े की मिसाल है। इस गुरु की सजा फर्ज है और उम्मीद करता हूं कि खुदा मुझे इस अमले खैर की जजाए खैर दे इंशाअल्लाह। किस जुर्म में चला गए मुख्तार? बजुर्म मोहब्बत आली। तो फिर मेरे भाई हुसैन के खून के इंतकाम का क्या होगा? मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद प्यासा हो। मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद भड़के। मुख्तार चल रहा है ताकि पानी हो जाए।